तुम्हारा हो गया। चेक, 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 चेक। ये मेरे 10,000 रुपए अखिल पर। अखिल पर हाँ तू बोल। अरे सबर कर। हाँ हो गया हो गया। एक मिनट। अरे आराम से एक एक करके। कौन है जो बाइक हवा में उड़ा रहा है? अबे गली के चूजे हैं। अपना अखिल कहाँ है? वो देख अपना शेर सबको चीर में आ रहा है। अखिल शराफत से बाइक रिपेयर करके घर ले आ, समझा? भाई तुमको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ। हाँ ठीक है चल, आज रात तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। अरे सबर 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 भाई, ताजा ताजा लाइसेंस बना है, मेरे को भी एक टैक्सी दिला दो ना। अच्छा हेलो। हाँ जानू। अरे मेरी रसमलाई, कहाँ हो तुम यार? कब से इंतजार कर रहा हूँ। रस इधर छोड़ के मलाई किसको बांट रही हो? ब्यूटी पार्लर में। ब्यूटी पार्लर में हो? अभी तेरे चोकटे का रेनोवेशन नहीं हो सकता? सुंदर मुखड़ा, चांद का टुकड़ा। जानू मैं मॉल पहुँच गई। मॉल में पहुँच गई? हाँ। पहले मुझे शक था, अब यकीन हो गया कि तू वाकई चुड़ैल है। पल में यहाँ वहाँ, तुझसे छुटकारा पाने के लिए चिटकारा पंडित से छुटकारा हवन। सुपर। कौन है बे? तेरा कोई राक्षस भाई मिला मुझे। हाँ रुक, बात कराता हूँ। कहाँ गया बे? खयावत। तू सबर का घूट पी जरा। ठीक है। बोल बे खजूर। कुछ नहीं सर, अगर आप 1,000 रुपए दोगे तो आपको रईस बना दूंगा। क्या? तू लाइन चालू रख चमेली, कोई रावत स्कीम बता रहा है। देखता हूँ तेरे लिए कुछ है क्या। बोल बे। एक मिनट सर, खोपचे पे आइए, आइए ना आइए। अच्छा प्लीज आइए। खोपचे में ले जा रहा है? इधर खड़े हो जाइए। आपको फटाफट तस्वीर में रईस बना कर देता हूँ। ये स्कीम है, खर्चा करवा रहा है। आप अकेदी कीजिए। ये मेरी तस्वीर बना नहीं रहा है, मुझे बना रहा है। एक ढिल्ला मेरा स्केच बना रहा है और मुझसे 1,000 ढिल्ले भी करेगा। पिछड़े हुए मेले में तेरा बिछड़ा हुआ भाई लगता है। चलो चलो बीच पर चलकर भुट्टा खाते हैं। ऐसी ख्वाहिश था तेरे अलावा कई लैलाओं की है, लेकिन ये मजनू पूरा नहीं होने देता। अबे तू चलते हुए आ रही है, रेंगते हुए? शाम तक पहुँचेगी क्या? बस पहुँच रही हूँ। क्या है? सर तैयार है सर। कह रहा है अगर तू तैयार है तो उसका एक लूला भाई है तेरी अंधी बहन के लिए, वही रिश्ता पक्का कर दो। कैसा लगा? अबे ये कौन है बे? अच्छी तस्वीर है जिसकी भी है। 1,000 रुपए दीजिए सर। इसे ले ले। मेरे खानदान में से कोई नहीं। अरे आप ही हो, आप ही हो। अरे रईस बन गए। अरे सुन, किसी टक्के नीचे के मर जा, जल्दी मार। अरे मजाक कर रहा था।
तू ट्रक के नीचे आई या ट्रक तेरे नीचे आ गया? दोनों को निकालता हूं। अरे सर सर सर, मेरे 1000 रुपए सर। एक सेकंड दबी रहना। हाँ बोल सर, आ रहा हूँ। 11 नंबर की बस लेके आ रहा हूँ। मिलोगे आप मुझे? मिलूंगा। जब तू 1 फुट पानी में डूब रहा होगा ना, तब तुझे चुल्लू भर पानी में डुबो डुबोगे मारूंगा। अरे फुकटिया कहीं का डुबो के मारेगा। अरे बेटा, बहन जी घर में है? हाँ अंदर। ये नई गाड़ी है क्या? हाँ नहीं, चुमत पुरानी हो जाएगी। बेटा तुम्हारी कॉफी। थैंक्स माँ। हाँ जब तुम पैदा हुए थे ना बेटा, तुम्हारे सर पे इतने लंबे बाल थे, तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत लगते थे कि मैं चोटी बांध देती थी। अब बरसों बाद इन बालों में तेरा बचपना नजर आ रहा है। कहो तो फिर से चोटी बना दूं? क्या माँ, ये मेरा अंदाज है। हाँ मुझे तो पता ही नहीं है, स्टाइल है तभी तो बढ़ा नहीं दिया। बहन जी कहाँ हो? बेहतरीन रिश्ता लाया हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है और खानदान भी ऊँचा है। लड़की काफी संस्कारी है। 2 भाई बहन एक ही है, बड़ा भाई अमेरिका में है। रही बात छोटे की, वो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में सेट हुआ है, आपको कोई एतराज तो नहीं? सुनो पंडित, अगर उसके माँ बाप सब कुछ बेच बाज कर चांद पर बस जाएं, या अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पड़ोसी बन जाएं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। अरे क्यों मजाक कर रही हैं? आपको रिश्ता पसंद आया कि नहीं? तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है। हाँ तो तुम ही कर लो ना। पर रिश्ता तो आपकी बेटी के लिए है। माफ करना पंडित जी, अब शादी ब्याह की बात हमारे घर में नहीं होती। वैसे भी मेरी जिंदगी अब कितनी बची है, घर में शांति वाला माहौल है, इसे बना रहने दीजिए। अब आज के जमाने की लड़की मेरे घर में आके मुझे ही नखरे दिखाएगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब और रिश्ते मत लाइएगा, अब आप जा सकते हैं पंडित जी। भाई हाँ बोल, नारियल फोड़ने आ जाओ। मैं रिमोट वाली कार चला रहा था तो भाई का दिल भराया और उन्होंने ये दिला दिया, अब टोटल 300 टैक्सी है। ए छुटके, घर में 300 गाड़ियाँ चाहिए या 3 बच्चे चाहिए? हा? सही कह रही है। आपका जवान बेटा पैदा करेगा। अरे पता नहीं किस जन्म में पैदा करेगा, अभी तो नारियल फोड़। संभाल के चलो। हाँ इधर ले आओ, यहाँ रख दो, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। ए टैक्सी टैक्सी, रुको रुको। गुड मॉर्निंग चिचा। सलाम। बोली कहाँ जाएंगे? गांधीनगर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये नया टीवी है। मेरी भी नई गाड़ी है, आप ही पहले कस्टमर है। बढ़िया है, मेरे टीवी का भी हैप्पी बर्थडे और तुम्हारी गाड़ी का भी। कितना लोगे? जो भी देंगे ले लूंगा चिचा। 100 रुपए दे देना। 50 50 20 उंगली दिया तो हाथ पकड़ रहे हो। ए दूसरों की तरह मैं गरीब से अमीर नहीं बना, काफी रईस था मैं, लाखों करोड़ों खैरात में देता था मैं। ऐसे टीवी तो मैं मोहल्ले में बांट देता था। हाँ अब मेरे दिन पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए भावताव कर रहा हूँ तुमसे। ठीक है रो मत, दे देना। तो पहले ही मान जाते। बेटी तुम अंदर बैठो जी। इसे जरा संभाल कर उठाओ, ध्यान से, नया टीवी है। जिम जाता हूँ। ध्यान से। अरे ऐसा ऊपर क्यों रख रहा? अरे जरा चेक करो, टूट गई ना, जरा फिर से पटकना। पटको, सिर्फ स्क्रीन टूटी होती तो गारंटी में रिप्लेस हो जाती, मुझे तो नया टीवी चाहिए। चल दिला। अरे चीचा आप किरकिरी कर रहे थे इसलिए टूट गया। ए, मैंने संभाल के उठाने को कहा। संभालने तो ऐसा बोल रहे थे जैसे ताजमहल उठा। मैंने तुमको पहले ही बताया था। अरे माफ कर दो चीचा, गलती मुझे हो गई। कुछ यार नहीं सुनना है, मुझे नया टीवी चाहिए। चलो दिलाओ हमें। चलो अंदर, इसकी गाड़ी की चाबी आप ले लीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे गरीब लूटो क्या? अरे मेरी गाड़ी है, नई गाड़ी है। अरे रुको, अरे बहन जी सुनो तो सही। ए छोटे, हॉस्पिटल क्यों बुलाया? वो छोकरी यही काम करती है। कौन छोकरी? अरे जिसके बाप ने हमारी टैक्सी ले ली है। लड़की ने विजिटिंग कार्ड दिया था और कहा था कि यहाँ आ जाना, बात करेंगे। क्या नाम है उसका? श्रीविद्या। श्रीविद्या? हाँ। देवी माँ की भक्त तो नहीं है? उसका नहीं पता पर बाप है वहाँ। जा देख कहाँ पे। एक्सक्यूज मी, यस श्रीविद्या आप ही है क्या? सॉरी शायद आप नहीं है। नहीं। आप जाइए जी। सुनिए वो रही। को देखते ही 440 का झटका लगा। ये पटाखा ही डॉक्टर है? या मैडम का रूम कहाँ है? मैडम अचानक भाई को क्या हो गया? अब लैब से रिपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। यस रश के कमर। एक्सक्यूज मी अमा खेल। डॉक्टर श्री नाइस मीटिंग यू। आप इसके साथ आए हैं? या
टीवी कहाँ है? मेरी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारी गाड़ी मेरे पास ही है, तुमने मेरा टीवी क्यों तोड़ा ये बताओ? तुम्हारे बाप के किरकिरी की वजह से टूटी है। झूठ। देखिए सर, अखिल देखिए अखिल, फर्स्ट जॉब की फर्स्ट सैलरी से मैंने अपने लिए टीवी खरीदा था, उसे तोड़ दिया। तुमसे ऐसे ही मैंने आज तक नहीं देखी। एक्सक्यूज मी। अरे भाई तुम तो सख्त लौंडे हो, आग देख के क्यों पिघल रहे हो? कैसा इंसान है यार, एक डॉक्टर के साथ ऐसा बर्ताव करता है? तो आपके मुताबिक इसने आपका नुकसान किया है? जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अचानक से वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। अबे चुप कर, आप क्या चाहती हैं? मुझे बस मेरा टीवी वापस चाहिए। छोटू की गलती के मुआवजे के तौर पर मैं आपको एक बड़ी सी टीवी देना चाहता हूँ, 32 inches या 42 inches। नहीं नहीं नहीं, मुझे बस मेरा टीवी ही चाहिए। ये तो नहीं होगा, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बड़ी वाली टीवी दूँ। भाई टीवी छोड़ो, इसके बाप ने अपनी पार्ट्स लकी कार सब क्यों करना? मुझे बस जल्द से जल्द मेरा टीवी वापस चाहिए बस। काम हो जाएगा, तब तक गाड़ी आपके पास रखिए। अखिल याद रखिएगा, आई एम ऑर्थोपेडिशियन। ऑर्थोपेडिशियन यानी कि आप हड्डियां जोड़ती हैं। टीवी ना मिला तो दिल तो नहीं तोड़ देंगी? दिल तोड़ना मेरा शौक नहीं है। पता है आप तोड़ती नहीं है, छोड़ती है। बाय ब्यूटीफुल डॉक्टर। बाय। आई एम अखिल। कौन है भाई? जर्नलिस्ट राम कुमार, तू ही है? जी मैं ही हूँ। आज के पेपर में शहर में क्राइम ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में तूने लिखा था? जी हाँ। बैठ। नहीं साहब आप मारे। बैठ। अरे क्या लिखा था जरा बता। कि शहर में चोरियां बढ़ गई हैं और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। सही बता। चोरियां बढ़ गई हैं, पुलिस जरा ध्यान दे तो बेहतर होगा लिखा था। सच बताओ क्या लिखा था? शहर में चोरियां बढ़ गई हैं और पुलिस नामर्दों की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, और नए स्पेशल ऑफिसर का शहर में होना ना होना एक ही बात है, ऐसा लिखा था।
ये कौन है? मेरा बेटा है। ये कब रोता है तुम जानते हो? हाँ, जब भूख लगती है तब रोता है, या आपके जैसा शरीफ आदमी इसे सताता है तब। इसे भूख कब लगती है तुझे पता है? जी नहीं पता। इसे कब कोई सताएगा तुम जानते हो? नहीं नहीं। अच्छा ये बता, ये किस वक्त सुसु करेगा तुझे पता है? नहीं पता। अचानक तुझ पे सुसु करेगा तो तू रोक सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। तेरा बेटा किस वक्त क्या करेगा तुझे पता नहीं? ये सुसु करेगा तो तू रोक नहीं सकता। पुलिस के साथ भी ऐसा ही है। शहर में कौन सा मुजरिम कब कहाँ जुर्म करेगा हमें कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? मार क्यों? अरे सर, सर रहने दीजिए, सर रुक जाइए, सर उठिए, उठिए, अरे बैठो जी। अरे सर 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 प्लीज, पहले से ही मैं परेशान हूँ, ऊपर से आर्टिकल दिखता है चेरी तो। समझा दे इसे, आइंदा ऐसा कुछ लिखेगा तो लिखने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा इसके। अब लिखूंगा बे, शहर में होने वाली चोरियों को बच्चे के सूसू के साथ तुलना करके छुपाना चाहता है। कैसा स्पेशल ऑफिसर है ये लिखूंगा? ये जी कौन है वो? नहीं समझी क्या? यही स्पेशल ऑफिसर है। अरे इसका थोबड़ा तो देखो, मुझे लगता है शहर की सब चोरियां यही करवा रहा है। इसकी बैंड बजाता हूँ, लिख के शहर छोड़ के भाग जाऊंगा, देखता हूँ क्या करता है। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं साहब, आपकी तारीफ कर रहा था। चुप हो जा बेटा, पुलिस चली गई। ए चुटकू इधर आ। क्या हुआ माँ? अरे ये क्या, आज तेरे गुरु को क्या हुआ? ये किसी और ही दुनिया में मगन लग रहा है। हाँ मसला ही कुछ ऐसा। कैसा मसला? भाई की परसों एक लड़की से मुलाकात हुई, बहुत खूबसूरत थी वो। ओ, बहुत खूबसूरत थी क्या? हाँ माँ। नाम क्या है? डॉक्टर श्री। चैटिंग शैटिंग शुरू हुई कि नहीं? वहाँ तक बात नहीं पहुँची, अभी तक बेस ही बन रहा है। नींव किसने रखी? भाई ने। मतलब उस लड़की को कुछ नहीं पता? हाँ, एक तरफा प्यार भी कैसा नाच नचाता है। ये देखो, खूबसूरती के आगे आदमी पगला ही जाता है। भाई सख्त बनते हैं, असल में मोम है। ए सुन, अगर इसे ऐसे छोड़ दिया ना तो सचमुच पागल हो जाएगा, जाके संभाल उसको। भाई, अरे भाई भाई, अपनी गाड़ी उस लड़की के पास है और आप यहाँ नाच रहे हो तो क्या हुआ? कुछ करोगे या नहीं? कौन सी गाड़ी? हमारी नई गाड़ी। अच्छा समझ गया, ओके ओके, घर में से एक टीवी का रिमोट लेकर आ जा। क्यों? अबे बाल की खाल। भाई बहुत चालाक हो, रिमोट देके गाड़ी लोगे, एक नंबर। पता है श्री, मैंने अपनी लाइफ का पहला ऑपरेशन किया और वो कामयाब रहा। हाय हाय, वहाँ पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। ओ अच्छा, बाय। हाय, आपका खादिम अखिल। हाय। ये रिमोट ठीक है? ठीक है मतलब? रिमोट पसंद आया हो तो टीवी ऑर्डर कर देता हूँ। ये किस टीवी का है? 32 इंचेस का है। मुझे 14 इंचेस ही चाहिए। I wanted to give you something big. जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ मिस्टर, मुझे इससे बड़ा नहीं बनना। अरे डॉक्टर साहिबा, इस मरीज की बात तो सुनिए। मिस्टर अखिल, मुझे बड़े टीवी की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरा टीवी लौटा दीजिए। अरे छोटे टीवी में आप अपनी आँखें खराब कर लेंगी, और मैं नहीं चाहता इतनी खूबसूरत आँखें खराब हो। मुझे टीवी की दुकान नहीं खोलनी है सर। अखिल। हेलो, डॉक्टर श्री बोल रही हूँ। श्री, मैं टीवी के शोरूम में हूँ, तुम यहाँ आकर अपनी पसंद का टीवी ले सकती हो, बिग टीवी। मुझे नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। हे हाय, डॉक्टर श्री का है? ऊपर। थैंक्स। बताओ भाई, हमारा टीवी कब लौटा रहे हो? बड़ी तकलीफ हो गई है, और कुछ करने को है नहीं, सारे प्रोग्राम मिस हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो हुई जब ढिंचैक चैनल पर नई मूवी मिस हो गई। टीवी लौटा दो भाई। तुमको क्या देखना है सब जानता हूँ। सॉरी। हाय। हाय। हाउ आर यू डूइंग? फाइन। क्या हुआ, चेहरे पे बारा क्यों बजे? मैं तो एक आईने की तरह हूँ। अच्छा? बाकी तुम्हारे नजरिए पर। भाई आपसे मिलने को ही आया है। हाय श्री। हाय, कैसे हैं अंकल? ठीक हूँ बेटा। अरे ये क्या क्या कर रही हो? आज मेरा बर्थडे है भैया, आशीर्वाद नहीं देंगे? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे ज़हन से निकल गया था। सुनो जरा चेकबुक लेकर आना। श्री ये लो, रख लो, जो दिल में आए ले लेना। नहीं चाहिए। भाई को मना नहीं करते। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुमने काफी कुछ किया है हमारे लिए, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर ये किस लिए? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी आज डॉक्टर बन पाई है, उसे डॉक्टर बनाने की हैसियत नहीं थी मेरी। ये सब कहने की बातें हैं, तकदीर में जो लिखा है वही होता है। एक वक्त था जब आप बेइंतहा पैसे लुटाते थे, लेकिन आज हालात कुछ और ही है। फिर भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ सर, काफी एहसान है आपके। एक वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी, उसके बदले तुमने काफी मदद कर दी हमारी। अच्छा आप चलते हैं। श्री ये रख लो,
और अंकल का ख्याल रखना। ठीक है भैया, बाय। टेक केयर। अरे श्री, रिक्शा में क्यों आई? गाड़ी नहीं है क्या? पेट्रोल महंगा हो गया। अच्छा ऐसा है? ए छोटू, गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे यार, तुम गाड़ी में चली जाना। देखिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये लीजिए आपकी चाबी। ऐसा नहीं है कि मैं टीवी देना नहीं चाहता, अगर दे दिया तो कोई वजह ही नहीं रहेगी आने की। एक्चुअली मैं यहाँ बार बार आना चाहता हूँ। क्या कि मैंने सुना है कि यहाँ के कैंटीन की कॉफी बहुत ही अच्छी है। कॉफी नहीं पिलाओगी क्या? तो चले, यहाँ की कॉफी सच में अच्छी है। तुम्हें मोटरबाइक अच्छी लगती है? हाँ। कयामत। अबे कौन सा कार्टून है तू? पप्पू पेंटर। पप्पू पेंटर? अबे स्कर्ट पहन के मेरे आगे पीछे क्यों नाच रहा है? अरे मत मारिए, पहले इधर तो नजर डालिए। अगर आपको पसंद आया तो सिर्फ 1000 रुपए, स्वाइप मशीन भी है। यो, किक दैट फैट बैक। ये मैं हूँ। हाँ लगभग 2%। कितना दूँ? 1000। ये ले 500 रख, और एक सलाह दे रहा हूँ, आज से पेंटिंग बनाना छोड़ दे। क्या बोल रहे हैं सर? मैं एक चोर हूँ। छोटे वाले या बड़े वाले? बड़ा वाला। ओ। सपने में भी मेरी तस्वीर बनाई ना तो सपने में घुस के। करोड़ रुपए की चोरी हुई है। कितने लोग थे? अकेला ही था। गार्ड्स को मारकर स्पोर्ट्स बाइक से भाग गया। ये बाइकर्स की बैठक कहां पर होती है? बाइकर्स क्लब में सर। I have your attention for a moment, please. आप सभी का यहाँ स्वागत है, और ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अगले हफ्ते सैटरडे को हमारे क्लब की 7th एनिवर्सरी है, तो जश्न होगा दबा के। जी सर, बताइए क्या चाहिए आपको? अरे बताइए ना सर। वो बाहर लाल बाइक खड़ी है, वो किसकी है? वहाँ टिंकू टैटू वाला खड़ा है, वो बाइक उसी की है। टैटू भी शक्ल की जैसे ही है। स्वीटी, एक बात तो भेजे में घुस गई है, आखिर कब तक ये टैटू बनाकर 500 का चिल्लर जमा करूंगा? सपने पूरे करने के लिए चोरी करना बेहतर है। वाओ। किसी नोट वाली पार्टी के ऊपर से नींबू घुमाओ, काम हो गया। बढ़िया। किसी लाला के गाले में घुस के भाला डाल दो। चोरी करना इतना आसान है? अरे हलवा है, उसमें भी रावस चोरी किसको बोलते हैं पता है? ATM। ATM का फुल फॉर्म है आओ तोड़ो माल गायब। उधर एक चौधरी साहब वॉचमैन ही कर रहे होंगे, सीधा घपाक, खेल खत्म। पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस वो लोग तो अपने लिए एक टाई की तरह है, काटो घोलो और लगा लो, वो तो दिल और दिमाग से पैदल है। मुझ जैसा शातिर जब दिमाग से तीर चलाएगा तो पुलिस तो घायल होगी ना। आप इस पर अपने विचार बताइए ना। आइला छाप दिया। ए लिसन, टैटू वाले के ऊपर टैटू नहीं बनाने का कह देता हूँ। इसे थाने ले जाकर हर जगह पर डंडे से टैटू छापा। एडजस्ट कर लूंगा। तेरी तो पुलिस वालों को डाय कहता है। एड में देखो। सर ये टेबल रिजर्व है। कोई बात नहीं। थैंक यू।
केवल इनकी है। सर प्लीज सर। अब ये टेबल मेरा है। ए, मेरी टेबल कहाँ है? अब एक मिनट सर, सर मैं दूसरी टेबल अरेंज करता हूँ ना, प्लीज सर। दूसरी टेबल दूसरे के लिए अरेंज कर। टेबल किसने बुक की थी? सर आपने। या तेरे ओनर को बुला के। ओके सर। अगर उससे भी काम नहीं बना तो मैं काम बचा दूंगा। लफड़ा नहीं करने का, ये क्लब तुम्हारा है, एंजॉय करने का, समझने का रे। मैं अभी का अभी सारा टेबल हटा देगा इधर से। ए, पीटर, यहाँ जो भी टेबल कुर्सी होएगा वो सब निकाल देने का, पता नहीं काय के लिए इधर रखा है मैंने। अभी खाली चेयर्स करने का, दारू पीने का, ऐश करने का, मजा करने का। ए, बॉस लोग के लिए दो पटियाला लेके आ। ए, बटरफ्लाइज क्या देखता है मैन, फ्लाई करो फ्लाई करो। म्यूजिक क्या देखता है मैन, डांस करो डांस, कम ऑन। Hey, इधर ये पकड़। हाय डियर। हाय। हाय। हाय गर्ल्स। तुम यहाँ कैसे? ये गैराज अपना ही है। और ये गाड़ी किसकी? एक्चुअली मेरी फ्रेंड की गाड़ी खराब हो गई है। ए हसन जी, इनकी गाड़ी जरा अच्छे से रिपेयर करना और पैसे मत लेना। ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल, अब गैराज हमारा ही है ना? और क्या, आप में से किसी भी गाड़ी खराब हो जाए तो यहाँ बेझिझक आ जाना। वाओ। कुछ ठंडा या गरम चलेगा? बस मेरी एक शर्त है, आज के बाद से आपकी सारे स्टाफ की ट्रीटमेंट मेरी तरफ से फ्री होगी। क्या कह रही हो, यानी मेरी बेचैनी का इलाज तुम करोगी फ्री में? बिल्कुल। तब तो मुझे कल ही आना पड़ेगा। नमस्ते नौजवानों। कौन है तू? पप्पू पेंटर। यहाँ पे क्यों आया? मैं यहाँ मेरे 2 लाख लेने आया। काहे के 2 लाख? वो एटीएम चोर के बारे में जो भी खबर देगा उसको आप 2 लाख रुपए देने वाले थे ना? हाँ। मैं खबर लाया हूँ, तुम पैसे लाओ। अच्छा? खुद ही बैठ जाता हूँ। उस चोर का दीदार तू नहीं किया था? अपने दीदों से। ये स्कर्ट क्यों पहना है? क्यों, आपको कोई तकलीफ है? कहाँ देखा था? हेल्थ सेंटर। कहाँ? हेल्थ सेंटर। लेकिन चोरी तो पैराडाइज सेंटर में हुई थी। जन्नत से जहन्नुम में आया होगा। तुम कैसे जानते हो कि वही चोर है? पूरी जज्बात के साथ उसने बताया था। कोई चोर अपने आप को चोर बताएगा क्या? शकल शकल की बात है, आपको देखकर तो गुंगा भी बोलना बंद कर दे, लेकिन मेरी शकल देख के गुंगा भी अपने फेफड़ों से बोलने लगता है। करता क्या है? पेंटर, इस नाचीज को पप्पू पेंटर कहते हैं। उसकी तस्वीर बनाई थी, दिखा। Because of fear I tear. फिर से बना सकता है? 2 लाख मिलेंगे। Hey! मेरी बेचैनी दूर करेंगे? सर वो 2 लाख रोकड़े में दोगे या टोकरे में? तस्वीर बना, तस्वीर। जल्दी कर। तैयार है सर। ये तो मेगा स्टार चिरंजीवी है ना? हाँ, वो मैं फैन हूँ तो बना दिया। ये तस्वीर क्यों बनाई? सर बचपन से एक ही तस्वीर सही बना रहा हूँ, मेगा स्टार चिरंजीवी की। दूसरा बना दूंगा पर थोड़ा 18-20 हो जाएगा सर। हाँ, मैं एक काम करता हूँ सर, अच्छे से सोचता हूँ और कल आके बनाता हूँ। एक मौका दे रहा हूँ, अपने घर का एड्रेस देके जा। ओके। मैडम। हाँ छोटू। जल्दी से घर आ जाइए। क्या हुआ? भाई की पेट की हड्डी में दर्द है। अच्छा? आप रेडी रहिए, मैं लेने आ रहा हूँ आपको। पर अचानक से क्या हो गया? खलबली मची है, अब किसी के सहारे की जरूरत। सहारे की क्यों? अरे आप डॉक्टर हो या मैं, इतने सवाल पूछ रही हो, जाके भाई का दिल चेक करो ना। घर तो मस्त है। बहू बन के आ जाना, पहले भाई को चेक करो। भूल गई,
अखिल, अखिल, what happened? Are you okay? अरे अचानक क्या हो गया? Thanks for coming, darling. अरे TS डॉक्टर ना, तुम मुझे चेक करो. पता है मुझे भी कभी-कभी दर्द होता है. ध्यान से. मैं भी डॉक्टर लाल के कंपाउंडर. यहाँ चल के लेट जाओ. सर्दी बुखार ये सब मैं भी चेक कर लेता हूँ. तुम बोलो तो तुमको भी चेक करूँ. बैठ जाओ. कैसे हो गया ये? वजन उठाया था क्या? नहीं, बापरे बहुत दर्द हो रहा. कहीं पेट से लटक गए थे? गलत पुशअप्स मार लिए क्या? नहीं, पुशअप तो मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया. सिस्टर यहाँ, टीएस मैम. तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ सिस्टर? मैं सिस्टर से ठीक हो जाऊंगा. आप भाई को जान दीजिए. हाँ हाँ, आ रही हूँ. मैं बाहर जाके चेकअप कर रहा हूँ. आप भाई को देखिए. ध्यान से, संभल कर. बहुत दर्द हो रहा है. अखिल, उसे पहले कभी ऐसा दर्द हुआ है क्या? नहीं नहीं, पहले. कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अरे आराम से प्लीज. नीचे चलो. अरे वहाँ क्या कर रही हो? कुछ प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं. दर्द कम हुआ? नहीं. अब नहीं, कोई फर्क नहीं है. कोई फायदा नहीं हो रहा. आजा आजा मेरे पास. ठीक है, मैं आ रही हूँ. तुम्हारी नेक में भी कुछ नर्व्स होते हैं, वहाँ ट्राई करके देखते हैं. अगर दर्द कम हो जाए तो बता देना. ओके, हो रहा है. कैसा लग रहा है? लेकिन बहुत ही मीठा. दर्द तो तुम्हारे छूने से ही भाग गया. क्यों, ऐसा क्या कर दिया? हाँ, तुम्हारे हाथ में है ही कुछ ऐसा जादू. क्या मतलब, कैसा जादू? प्रेशर पॉइंट के बारे में मुझे भी जानकारी है. वो कैसे? तो मैं डेमो दिखा दूं? हाँ, सची. रिलैक्स बेबी. ये पॉइंट दबाने से दूसरा पॉइंट एक्टिव हो जाता है. अखिल, लग रहा है कोई लेडी डॉक्टर आई. सही लग रहा है. तूने कहा था गुरु को मोहब्बत हो गई है, तो ये लड़की वही है या कोई और है? अरे माँ, वही है. देख रही हूँ, उस डॉक्टर का सारा सामान तो पहुँच गया है, बस ऑपरेशन करना बाकी है. अब एक काम कर, इस बीमारी का पूरा हालचाल मुझे बता. ओके, शुरू करते हैं. अच्छे से सोच के आया ना? हाँ. शुरू हो जा. एक मिनट मुस्टंडो, मेरे सामने अगर कोई थोपड़ा रहे तो मैं थोपड़ा बना नहीं सकता. चलो अच्छे बच्चों की तरह उधर कोने में खड़े हो जाओ. आ जाओ, तुम्हें क्या लिख के दूं मैं? चलो, 2 लाख रुपए जब मिलेंगे तुम लोग को 1-1 रुपए की टॉफी दूंगा. एक जलजीरा बोलना, अपने लिए भी बोल देना. अब हो गया. क्या बात. ये और ये हो गया. आके नजर मार लो. और अगर हाथ इस तरह कर देगा तो रजनीकांत और भी नेचुरल लगेगा. अरे एक मिनट, अभी बना. जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे. फिल्म स्टार्स की तस्वीर बनाता है. उनका बहुत नाम है ना, तो बना देता हूँ. नाम है, तू तस्वीर बनाएगा? इधर इधर. मैंने आपसे बोला था ना, मेरे सामने अगर कोई भी खड़ा रहे तो मैं भटक जाता हूँ. ये मेरे सामने खुजा रहा था. मैं सच बोल रहा हूँ. उस चोर के बारे में सोच सोच कर मैं पागल हो रहा हूँ. उस चोर को पकड़ने का ऐसा जुनून सवार है कि हलक से निवाला नहीं उतर रहा. अच्छा, घर जाता हूँ तो कोशिश करने पर भी रात भर नींद नहीं आती. आपको नींद नहीं आती तो मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? दरअसल मैं एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ. क्रिएट करने में थोड़ा वक्त लगेगा. मैं फिर से कोशिश करूंगा. जरा यहाँ ना. जी सर. ये किसकी तस्वीर है? जेनिफर लोपेज. ओ, और वो? ब्रिटनी स्पीयर्स. सहगल साहब का कलेक्शन कहाँ है? वो उस तरफ कॉर्नर में. मेरे लिए 2 CD निकालो. जी? किडनी नहीं मांगी, CD मांगी है. बड़े गुलाम अली साहब का कलेक्शन है? नहीं सर. बेगम अख्तर का? वो भी नहीं सर. इसके इंटीरियर में कितना खर्चा किया? काफी किया सर. स्टाफ भी काफी होगा? हाँ सर. रोज का धंधा कितना होता है तुम्हारा? आप जैसे कस्टमर ना आए तो काफी हो जाता है. जाओ. वो डैडी, वो भाभी. समझ गई, अब तू जा. भाई साहब नमस्ते. मुझसे कहा नमस्ते जी? जी, मैं अखिल की माँ हूँ. अच्छा, मुबारक हो. अखिल कौन है? आपकी बेटी अच्छी से जानती है. नमस्ते. नमस्ते. अखिल पापा, जिसने हमारा टीवी लौटाया था. ओह, वाह, आपका बेटा बड़ा ही नेक है. काफी बड़ा दिल है उसका. इसीलिए बड़े बड़े तोहफे खरीद के देता है. आपकी बेटी का स्टेटोस्कोप हमारे घर में रह गया था, तो वही लौटाने आई. आपके घर में? पापा, मैं आंटी से कुछ बात करती हूँ, आप जाइए ना प्लीज. ओके, ठीक है. परसों तुम हमारे घर आई थी ना? हाँ, वो अखिल की कमर में दर्द था, इसलिए मैं आई थी. ओह, हाँ हाँ, हुआ होगा. आजकल उसे कई तरह के दर्द होते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ. अब कब आओगी तुम? क्यों आंटी? मैं कहीं शॉपिंग के लिए चली जाऊंगी ना. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट टाइम आप ही से मिलने आऊंगी. हम्म.
मैं साफ कर देता हूँ, लाइए नहीं करता हूँ। ये क्या बात है? अरे कुछ नहीं अंकल, वो मेरी ड्रिंक गिर गई थी, बुरा मत मानिए अंकल, मैं पूछ देता हूँ ना। अरे जानबूझ के कोई थोड़ी करता है, हो जाता है ये सब। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, साफ कर देता हूँ, लाइए। हेलो बेटा, यहाँ श्री से मुलाकात हुई, लेकिन कोई लड़का यहाँ उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। उस लड़के को जानती तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। कौन है बे तू? तेरा बाप। अभी जिस लड़की को तूने छेड़ा था ना, उसका छावा हूँ। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। तेरी 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 तुम सब की मैं सर्विसिंग करूंगा। ओ अच्छा। क्या बे, कुत्तों वाली हरकत करता ना, ये ले अब चाट, कुत्ते की तरह चाट, चाट। अगर ये तेरा दुश्मन है तो मैं इसका दोस्त हुआ, तूने मेरे दोस्त पर हाथ कैसे उठाया? रुक जाओ, क्यों लफड़ा कर रहे हो? हैं? किधर का भाई है क्या? पुलिस वाले हो क्या? जितना पूछा उतना जवाब दे। उसने पहले मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ा, तो उसके लिए तुम सजा दोगे? सिर्फ इसे ही नहीं, अब तो मैं इससे भी तोड़ूंगा। पुलिस के सामने दादागिरी करता है, हीरो समझता है, हैं? बोलना। तुम्हारे घर में औरत है कि नहीं? उन्हें कोई छेड़े तो तुम क्या करोगे? इधर आ। क्या रे लड़के चढ़ता है? सर हा? वो मैंने बस ये क्या है? हैं? ये सब बैन है हा? पता नहीं तुझे? सर जी बोल रहा, इसे अंदर डालो। तू क्या खड़ा है? चल जा, चल निकल, तू भी चल। तुझ में अकड़ कुछ ज्यादा ही है, कभी हाथ लगेगा ना तो पूरी उतार दूंगा। चलो निकलो यहां से। बताइए भाई साहब, क्या हुआ? एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बताइए। हमारे कुछ फर्ज बाकी हैं, अब उन्हें अदा कर दिया जाए। भाई साहब मेरी भी यही ख्वाहिश है, मेरा तो एक ही बेटा है, बस जल्दी से उसकी शादी करके तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगी। अब आपकी बेटी और मेरा बेटा अलग तो नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। तो अब मेरे बेटे को दामाद बनाने के लिए कितना दहेज चाहिए आपको? अरे रे रे, कैसी बात कर रही है बहन जी, इकलौती बेटी है, शान से विदा करूंगा उसे। तो फिर इस रिश्ते के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। 25 तारीख को सुबह 9:20 पर बहुत अच्छा मुहूर्त है। तब तो उसी शुभ मुहूर्त में हम अपने बच्चों को रिश्ते में बांध देते हैं। बहन जी। जी बताइए भाई साहब। मेरी अपनी सगी दो बहनें हैं, उन्होंने कभी भी मुझे अपने घर बुलाकर एक कप चाय भी नहीं पिलाई है, और तो और भला बुरा कहती है। अपनी बेटी के लिए मैं एक पाई भी नहीं जोड़ पाया, मेरी बेटी का ख्याल रखना। भाई साहब, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बस बहन जी, मेरा दिल भर आया, अब और बात नहीं कर पाऊंगा, फोन रखता हूँ। जी जी अंकल, बताएं। श्री की मंगनी की तारीख तय हो गई है। कौन सी तारीख? इस महीने की 25 को। अच्छा, लड़का क्या करता है? उसका गाड़ियों का कारोबार है, काफी मेहनती है और इकलौता बेटा है। ये तो अच्छी बात है, मैं जरूर आऊंगा। सिर्फ आना ही नहीं है, भाई होने के नाते सारी जिम्मेदारियां निभानी है तुम्हें। श्री मेरी बहन है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तुम हो तो मुझे किस बात की चिंता है, अच्छा रखता हूँ। ओके साहब, छुट्टे नहीं है? आज मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है, बाकी के पैसे तुम रख लो। अरे,
ए, तुम दोनों जाकर जल्दी से खाना खाकर आ जाओ। सोनू। हाँ अंकल। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। नहीं अंकल, रहने दीजिए। आपने यहाँ रहने का आसरा दिया, बस इतना ही काफी है, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ये पैसे क्यों नहीं ले रहे हो। ये गैरेज कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि मुझ पर काफी कर्ज चढ़ चुका है। जब तक चल रहा है किसी की तनख्वाह नहीं रुकेगी। तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे तुम रख लो। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो। इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा है मुझे। आज से खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारे सुख दुख में मैं हमेशा रहूंगा। मैं भी अकेला था लेकिन अब नहीं हूं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा बेटा। मुझे फोन करके तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की की थी। फिलहाल कहाँ रह रही हो? मेरे भाई के साथ। कौन सा भाई? वो मेरा सगा भाई नहीं है लेकिन उससे भी बढ़कर है। उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचाया है। अब उन्हीं के साथ रहती हूँ। पता नहीं क्यों हो रहे हैं। आर्टिस्ट को दो वक्त का खाना चाहिए सर, आप उसे गोली मत खिलाइए। मेरा दिमाग गरम है, फोन उबाल मार रहा है। उस चोर को सिर्फ तू नहीं देखा था इसलिए तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना जिस दिन उस फिल्म स्टार की तस्वीर बनाई थी उसी दिन तुझे ठोक दूंगा। कुछ याद आ रहा है? अबे पागल है क्या? याद है? हाँ? अबे तो बस तो लाइन ही बना सकता हूँ, भी आड़ी टेढ़ी। आपको तो पूरी की पूरी शक्ल चाहिए, कैसे बनाऊंगा? बनाएगा या नहीं? ओए इसको चारों बाजू से घेर लो। चल शुरू हो जा, चल जल्दी निकल। अगर आज चेहरा नहीं बना तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं। बना, बना। देख, मुझे देख, कॉन्सेंट्रेट कर। देख रहा ना? देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। ए, इधर देख, ठीक से बना। मुझे देख। हाँ, देख रहा हूँ। अगर अब किसी फिल्म स्टार की बनाई तो खलास। नहीं, NTR की, रामचरण की, रवि तेजा की, महेश बाबू की, और वो कौन है वो? कौन सर? अरे वो जो डांस करने लगे तो पूरी दुनिया उसके साथ झूमती है। अल्लू अर्जुन। हाँ अल्लू अर्जुन वही। अगर ऐसी किसी की तस्वीर बनाई तो तेरी तस्वीर बना के उस पर हाथ चला दूंगा। क्यों, नीचे में उतर गया ना? ठीक से बनाना नहीं आता लेकिन सड़क पर सबसे पैसा लूटता है। सर माना कि मैं बुरा आर्टिस्ट हूँ पर दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। बना जल्दी। बना। तस्वीर बनी कि नहीं? हाँ बन गई। तूने मेरी तस्वीर बनाई? जवाब दे। मतलब मैं चोर हूँ? नहीं आप नहीं। जवाब दे, बोल। दरअसल सर आप मेरे थोपड़े के सामने रिवॉल्वर लेके बैठे थे और बोल रहे थे देख मुझे, देख जल्दी कर, बढ़िया बना, इसीलिए मैंने टेंशन में आके आपकी तस्वीर बना दी सर। बना दी ना? मेरी तस्वीर बना दी ना? तो फिर चोर की क्यों नहीं बना रहे तू? क्या है? हेलो, मैं आई टॉक टू माय लवली डॉक्टर अखिल? बोलो यार, कल से थोड़ी गड़बड़ है मेरी तबीयत। अच्छा क्या क्या हो रहा है बता सकते हो? नींद नहीं आती रात भर। दिल धक धक करता रहता है। एक अजीब सी हलचल मची रहती है। ओ बाप रे, और अरे क्या हुआ भैया? आज हॉस्पिटल नहीं गई? आज छुट्टी है। रिसीव करो।
हेलो, लगता है ये दिल सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा। रॉन्ग नंबर था भैया। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। हेलो। देखो पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर की सख्त जरूरत है। कोई हसीन डॉक्टर आकर अगर उसे छू देगी तो वो ठीक हो जाएगा। और सीरियस नोट, तुम फोन क्यों रख रही हो? आपकी तकलीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, आप कल आकर हॉस्पिटल में मिल लीजिए। बाय। मुझे आने में शायद देर हो जाएगी, खाना खा के सो जाना, ख्याल रखना। ओके। क्या हुआ भैया? क्या तुम उसे बहुत प्यार करती हो? किसे? तो कब से चल रहा है ये सब? उस दिन अंकल ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी शादी तय हो गई, यही वो लड़का है? हाँ। एक बार उससे मैं मिलना चाहता हूँ, उससे मिलवाओगे ना? भैया बात यह है कि मैं उससे परसों मिलने वाली हूँ, तो साथ में आप भी चलिए, वहीं उससे मिल लेना। चिल्ला क्यों रही हो? अरे कॉल किए जा रहे हो, मेरे भाई खड़े थे, मैं फोन काट रही थी ना, तुम्हें समझना तो चाहिए था। अरे उसे तुम्हारी प्रिवेसी का ख्याल नहीं है? दो साले को फोन। तमीज से बात करो, वो मेरे भाई हैं। कमाल है, साले को साला नहीं तो क्या जीजा कहूंगा। अच्छा ध्यान से सुनो, मैंने भैया को तुम्हारे बारे में बताया। हाँ। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, मैं परसों उन्हें लेकर आती हूँ, उसके बाद शादी। ओके। तब तक दिल धड़कना बंद हो गया तो इलाज करने आ जाओ ना यार। इंजेक्शन दे दूं? नो बेबी। गोली दे दूं? नहीं। फिर क्या चाहिए? हेलो, कहाँ हो, निकले या नहीं? मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, माँ को मंदिर छोड़ने जा रहा हूँ। जल्दी पहुँचो, भैया को इंतजार करना पसंद नहीं है। ठीक है, तुम निकलो। जिंदगी में हर एक को दोस्त की जरूरत होती है, यस और नो? दोस्त के बिना कोई जिंदगी है? नो। दोस्त है तो ये जहान है। So I wish you all a very happy friendship day. Hello, friends, हो? गहरे दोस्त, बहुत ही नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छा ये बता, अगर ये तेरी मोहब्बत को घुमाएगा तो तू चुप रहेगा? और अगर ये तेरी सुंदर कामवाली को पटाएगा तो क्या तू पोछा मारेगा? तो फिर ये दोस्ती काहे की? एक जवाब का क्वेश्चन दे, अगर तेरे कैश पे ये लौंडा ऐश करेगा तो क्या तुझे दर्द नहीं होगा? अरे दर्द क्यों नहीं होगा, हर मर्द को दर्द होता है। अरे ये फ्रेंडशिप ने बस दिखावा है। और अगर इस नागिन जुल्फों वाली को किसी ने छेड़ दिया तो सबसे पहले तू भागेगा सफेरा, है ना? ये दोस्ती वोस्ती सब दिखावा है। आइंदा कभी दोस्ती का नगाड़ा मेरे सामने बजाया ना तो यही मारूंगा। अरे बड़े भाई, अरे पहचाना, अरे उस दिन मेरी जान बचाई थी। अरे भाई क्या बचाया उस दिन, आपका एहसान रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो याद करो मुझे, ठीक है भाई? हाय गर्ल्स, लेट्स डांस। यकीन नहीं होता आपके ऐसे दोस्त भी हैं। क्यों, क्या हुआ? इसने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की थी, मुझ पर जानबूझ के ड्रिंक गिराई और नाटक करने लगा। एक मिनट रुको। ए अरे भाई क्या हुआ, अरे कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? अरे भाई बोलो ना, बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है? ये भाई था? हाँ। अरे भाई मार क्यों रहे हो? ए बजोट हटना, ए छमिया हटना, ए हटना, बाजू हट। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मेरे दोस्त को क्यों मारा? क्यों बे, क्यों मारना चाहता है इसे? Oh!
गेन छोड़ दो, एक दूसरे को छोड़ दो, जबरदस्ती काय को फाइट कर रहा है मैन? काय का दुश्मनी है तुम लोग का बीच में मैन? फ्रेंडशिप का दिन फाइट नहीं करने का, आज का दिन सब लोग इधर खुशी मनाने आए ला मैन, और तुम लोग फाइट करता है, हाँ? शकल से ही नफरत, ऐसा नहीं बोलने का रे बाबा, आखिर क्यों? जाने दो। श्री, अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने लाई थी ना, कहाँ है वो? अब ये मत कहना कि यही है वो। यही है। तुम भी ना। तुम अपने भाई से मिलाने वाली थी, क्या वो यही है? भैया प्लीज। सुन बे, अगर मेरी बहन की तरफ देखा खत्म कर दूंगा। ए, मैं नहीं जानता था कि ये तेरी बहन है, अब जान क्या हूं। अब तो मोहब्बत का जुनून बहुत ज्यादा हो गया साले। तुम मुझे उसके बारे में बताओगी? क्या जानती हो उसके बारे में? इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है उसमें। और कोई नहीं मिला तुम्हें? उसके अलावा जिससे भी कहोगी उससे शादी करवाऊंगा तुम्हारी, पर उसका नाम मत लेना। अरे जाओ पूछो उससे एक बार कि मेरा भाई तुझसे नफरत क्यों करता है। आखिर तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? आखिर इतनी दुश्मनी क्यों? दुश्मनी नहीं, दोस्ती। मुझसे वो नाराज है और उसकी बेवकूफी से मैं नाराज हूँ। एक्चुअली उसने मुझे पहचाना ही नहीं। कभी हम खास दोस्त हुआ करते थे, इसी शहर की सड़कों पर हमारी मुलाकात हुई थी। वो दिल्ली से यहाँ आया था और मैं यहीं का हूँ। हम दोनों साथ साथ नौकरी ढूंढने जाते थे। उसकी एक बहन थी, नाम था साशा। बहुत ही जिद्दी और ना समझती वो। जो चाहती थी उसे किसी भी तरह पाल लेती थी। She was a tomboy। उस दौरान हम सभी बेरोजगार थे। टाइम पास। अबे जाना। फिर हम तीनों ने मिलकर बैंक लूटने का प्लान बनाया। डोंट मूव। या किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो वो जान में जाएगा। सिर्फ 3 मिनट, जल्दी करो। तुम्हारा नाम? हाँ, रोजी। पुलिस को फोन कर रही थी? हाँ। उनको बोलो कि अगर तुम आ गए तो ये मुझे मार डालेगा। बोलो। अगर आप लोग बैंक के नजदीक भी आए तो ये मुझे मार देगा। वेरी गुड। 2 मिनट। और
और भी कोई हीरोगिरी दिखाना चाहता है? ए? कब से देख रहा हूं तो इसकी उंगली किया जा रहा है। किस करना आता है? करना चाहेगा तो मुझे क्या देख रहा है? करना उसको, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जल्दी कर। वेरी गुड, अच्छा लगा तो एक और करो, नहीं तो कान के नीचे बजाओ। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप चाहो तो पुलिस को बुलाओ या प्रेस को, आपकी मर्जी। हैव अ नाइस डे। साशा, ये दोनों बंडल मैंने काउंट कर लिए हैं, कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए होते हैं। ओके। तुम लोग नोट तो ऐसे गिन रहे हो जैसे मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। ओहो, ये पैसे भी मेहनत से ही मिले हैं। पता है मेरा मकान मालिक थोड़ा सा भी सब्र नहीं है उसमें, एक दिन देर क्या हुई तांडव करने लगा। एक काम करो, उसे तुम यहीं पर बुला लो, इतना पैसा उसे दिखा देते, देखते ही मौत आ जाएगी। जब नौकरी मांगी तो किसी ने हमें नौकरी नहीं दी। मैं तो बोलती हूँ वर्ल्ड बैंक को ही लूट लेते हैं, डॉलर में जिंदगी कटेगी। साशा, या हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साशा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर साशा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे साशा। थैंक्स। पता है आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पकड़े नहीं गए ना इसके लिए खुश हो? पकड़े गए होते तो जेल के अंदर होते हैं, तुम लेडीज सेल में होती और हम बाजू वाले सेल में। नहीं यार, जेल में भी मैं तेरे साथ ही रहती। अरे हमारा घर थोड़ी है वो। होता तो कितना अच्छा होता। सुनना, मैं तेरे से अलग नहीं रह सकती, मुझे कभी जिंदगी में अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ेगा ना? तेरा दिमाग खराब है क्या? अकेले तिजोरी में किसको ढूंढ रहा है? तू तो मेरी दिल की तिजोरी में है। मारी जाती मेरे हाथ से तू। तेरे हाथों से मर जाऊं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इधर आना। क्या है? मैं तुझे अच्छी लगती हूँ या फिर नहीं लगती? अच्छी लगती हो। एक राज बताऊं? अच्छा, क्या है वो राज? देख मेरी आंखों में, देख इन आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर बसी है, दिख रही है तुझे? बताना क्या नजर आ रहा है तुझे? तेरी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। इन आंखों में तो दिखाई नहीं दे रहा क्या? मगर हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं साशा। मैं तुझे चाहती हूँ। यस, लेकिन तू मेरे टाइप की लड़की नहीं है। क्या कमी है मुझ में? तो मुझे अच्छी लगती हो बट क्या बोला यार, कुछ और बात करते हैं ना प्लीज। कोई बात नहीं करनी मुझे। ओके, फिलहाल तो छोड़ देती हूँ तुझे, पर अगली बार जवाब चाहिए। देर हो रही है, सोनू वेट कर रहा होगा। चलो एक झप्पी दो देना यार। अबे ओ छिछोरी, चल। साशा, क्या कर रही हो? बीच में क्यों रोकती है? कार्ड देख लेंगे। झप्पी दे मुझे। अरे झप्पी देना मुझे अभी। यहाँ तू पागल हो गई क्या? ये पागलपन सिर्फ तेरे लिए है। साशा,
मेरी बात सुनो, चलो उतरते हैं। जप्पी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ओके कम ऑन, जल्दी करो। सच में पागल हो तुम। ये हुई ना बात। जानो, मैं सच कह रही हूँ। कैसा सच? मैं तेरे लिए पागल हूँ। ऐसे टाइम पे पका मत यार। लेकिन तेरी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अखिल, मान जाना यार, मना करेगा तो जान दे दूंगी। सी यस और नो? यस। देख, लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, हाँ या ना? तो जितनी बार पूछेगी मेरा जवाब ना ही है। अरे क्या करी? दस करोड़ रुकड़ा चलेगा ना? 15 करोड़। पागल हो गया क्या? 20 करोड़। 20 करोड़ किसे गई क्या? लाइन में और भी लोग हैं, एक बार अपने बॉस से पूछ ले। 20 करोड़ मांग रहे हैं, क्या करना? ठीक है, क्या क्या बोलता है? सौदा पक्का। मैं हूँ टिंकू टैटू वाला, छापता हूँ सब पर टैटू निराला, जिसकी वजह से लोगों ने पिनाई अपन को हार और माला। मेरे लिए लड़ती है माधुरी और मधुबाला। What can I do for you? टैटू बनवाना है। उसी के लिए तो हूँ मैं मशहूर, टैटू बनाकर तुम्हें बना दूंगा हूर। एक नाम लिखवाना है, अंदर या बाहर? क्या बोला? जिसका दीदार हर एक शख्स करे वो बाहर, और जो छुप कर बैठा हो यहाँ यहाँ और यहाँ खोपचे में, इट्स गोल इंटीरियर। तो क्या बोलता है? आई लव छुपा रुस्तम। अगर तेरे जैसे कार्टून का नाम होता ना, तो टैटू बनवाने से अच्छा होता कि मैं कुएं में कूद जाती। मेरा जानू तो जाने मन है, उसका नाम तो ऐसी जगह होना चाहिए कि हर शख्स की नजर पड़े। ओके। ए रुक रुक, ये क्या है? ये तो होली की पिचकारी वाली गन है ना? ये होली वाली पिचकारी नहीं, टैटू वाली गन है, मुझे मेरा काम करने दो। मैं हूँ टिंकू टैटू वाला, छापता हूँ सब पर टैटू निराला, जिसकी वजह से लोगों ने पिनाई अपन को हार और माला। मेरे लिए लड़ती है माधुरी और मधुबाला। ये क्या टैटू उसके नाम का क्यों बोलोगी? ये क्या बताएगी सर, इसकी तो मुस्कान ही बता रही है इसका हाले दिल। एक दूसरे से प्यार करते? वो नहीं करता, बस एक तरफा प्यार है। तुमने बताया उसे? क्या कहा उसने? मानता ही नहीं। थैंक यू। आए सुनो, कुछ लोगे? One more, please. तुम ये बात जानते हो ना, साशा तुमसे प्यार करती है? जानता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसके बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं यार। पर वो तुम्हारे लिए काफी सीरियस है, तुम्हारे नाम का टैटू बनवा रही है। क्या?
मेरे नाम का। अरे ए ब्रो एक मिनट रुको, साशा ये क्या कर रही हो? तेरे से मतलब? अरे मेरी रजामंदी के बिना तुम ये कैसे कर सकती हो? पहले हाँ बोल फिर आग जताना। अरे सोनू इस पागल को समझा यार। तू जानता ना इसे। अरे भाई प्यार दो तरफा होता है। दुनिया में तू अकेला अकेल नहीं है, और भी बहुत सारे। तू जाना। बजाऊंगा कान के नीचे। ए भाई मिटा इसको। मैं छाप ना जानता हूँ, मिटाना नहीं। बोला ना मिटा। चल कैसे हंस रही है यार, तेरी तो बस। लेट्स गो। भेड़ी है यार। फिनिशिंग टच दूं या नहीं? अबे काम पूरा कर बे। ओके माँ जी, अखिल से वो बेइंतहा मोहब्बत करती है। आप भी साशा को जानती हैं, लेकिन जब मैंने अखिल से पूछा तो उसने इनकार कर दिया। ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। माँ जी, अखिल के लिए वो सिर्फ एक दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इस दुनिया में साशा के अलावा मेरा कोई नहीं है। आपसे गुजारिश है कि अखिल को आप मना लीजिए, और वैसे भी अखिल मेरा खास दोस्त है, मैं फोर्स तो नहीं कर सकता। प्लीज माँ जी। जरूर बेटा, मैं कोशिश करूंगी। अगर फिर भी नहीं माना तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेट जाना। जाओ यहाँ से। सुन ना जानू। जाती है कि नहीं? कब तक इस तरह अकेले रातें काटता रहेगा? मेरा साथ नहीं चाहिए? अरे क्या कर रही? अरे पागल। चिल्लाता क्यों है? यहाँ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। मैं ही तुझे मारूंगी, मैं ही तुझे बचाऊंगी। अब तो हाँ बोल दे यार। तू अंदर कैसे है? क्यों भूल गया मैं भी तेरी पार्टनर हूँ? ये सब मुझे भी आता। तुम्हारी गर्म सांसें मुझे बहका रही हैं। पागल, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू डिस्टर्ब हो। एक किस देना यार। अरे प्लीज यार कंट्रोल कर। अरे तो एक नॉर्मल लड़की जैसे क्यों नहीं है? अरे अरे क्या क्यों मार रही है? मैं नॉर्मल नहीं हूँ। अरे इसी बात का तो रोना है। आज रात मुझे एक मौका तो दे। ये सही नहीं है यार। उसके बाद तेरी मर्जी। हाँ बोल या ना बोल, कोई चांस नहीं। ओके नो। अच्छा अरे यार क्या कर रही? देखना है क्या कर रही हूँ। अरे अरे इडियट। खुश साशा, यू ऑल राइट? लगी तो नहीं ना? तू ठीक है ना? आर यू ओके साशा? मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता तुझे? इस दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम लेती है, तुझे ही सुनाई नहीं देता, इसीलिए पागल हो जाती हूँ। बस एक ही जुनून सवार है कि किसी भी तरह तुझे हासिल कर लूं। बस रास्ता दिखाई नहीं देता। साशा सुनो, मेरा मसला यह है कि तुम्हें उस नजरिए से मैंने कभी देखा ही नहीं। साशा डोंट टेक इट अदरवाइज। मान लो कल को हमारी शादी होती है और मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाया तो क्या ये सही होगा? साशा क्या हुआ, परेशान लग रही है? अखिल से मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, पर मैं उसके लिए बस एक दोस्त हूँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। दिन ब दिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। या तो मैं उसे हासिल करूंगी या मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं यहाँ साशा की जिंदगी के लिए आया हूँ। साशा को अपना ले यार, नहीं तो वो अपनी जान दे देगी। तू चुप क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अब मैं क्या बोलूं यार, ऑलरेडी कह दिया कि मैं इस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, फिर भी बार बार पूछते रहोगे तो मैं क्या बोलूं? आखिर वजह क्या है, क्यों अपनाने से कतरा रहा है? बात सिर्फ इतनी सी है कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करता। तू जो कहेगा वो करूंगा, बस उसे अपना ले। अबे तू पागल वागल हो गया? पैसे से प्यार खरीदेगा? किसी और को खरीद ले यार। उसने तो तेरे नाम का टैटू भी बनवाया है। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था ये,
अरे कल किसी ने पूछा कि ये टैटू किसके नाम का है, तो वो क्या जवाब देगी? तू हमसे कहीं दूर चला जा। नहीं जा सकता। तो हमसे रिश्ता तोड़ दे। ये भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं, तुम दोनों को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ बोल। तुम लोग कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करते रहोगे? तुम लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर है, शहर में एग्जीबिशन चल रही है, इटली की रॉयल फैमिली के एंटीक डायमंड्स हैं, कीमत 1000 करोड़। चुरा लो उन्हें, पूरे 100 करोड़ एडवांस पेमेंट। पार्टी कौन है? जानना जरूरी नहीं है। हमें मंजूर है, ये एक काम कर देंगे तो लाइफ बन जाएगी, फिर शादी कर लेंगे, क्या बोलते हो? चलो भी जानो। अखिल, आई लव यू। साशा क्या कर रही हो? मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, सबके सामने इकरार करोगे या नहीं? मैं हाँ नहीं कह सकता। अगर हाँ नहीं कहा तो आज यही अपनी जान दे दूंगी। तुम पागल हो गई हो, चलो घर जाओ, जाओ। अरे यार, ये ऐसे कैसे बोल सकता है? हेलो अखिल, तू यहाँ आ रहा है कि नहीं? अरे साशा कहाँ है तू? अपने क्लब में। साशा ये क्या फालतू गिरी है? यहाँ आकर मुझे अपनाओ वरना अपनी जान दे दूंगी। प्लीज मेरी बात को समझ। तेरे पास बस 10 मिनट है। कहा ना, सीधे सीधे घर जा। तू यहाँ आ रहा है कि नहीं? तू अभी तक घर नहीं गई क्या? नहीं जाऊंगी। देख मेरी बात मान और सीधे घर जा। तुझे पाने का जुनून आज सर पर सवार है, अगर तू नहीं आया तो सिर्फ मेरी लाश मिलेगी। आगे तेरी मर्जी, मैं दोबारा फोन नहीं करूंगी। अखिल ये मेरा आखिरी फोन है। साशा, हे सोनू, साशा ने अभी भी फोन किया था, वो अभी तक क्लब में ही बैठी है, एकदम सिरफिरों की तरह बात कर रही है, बोल रही थी आई लव यू कहो नहीं तो मर जाऊंगी। मैं वहीं जा रहा हूं, तू भी आ जा। साशा, 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 ये अखिल, हाथ नहीं लगाना, हट जा वहां से, तू ही मेरी बहन का कातिल है, तेरी वजह से उसकी मौत हुई। भाई मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा कुछ करेगी। अंदाजा नहीं था? अरे तूने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो तुझे कितना चाहती थी? अरे तेरे लिए तड़पते हुए उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, तू ही मेरी मासूम बहन का कातिल है। जा, चल निकल जा यहां से। सोनू मेरी नजरों से दूर हो जा और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सोनू चल जा, जा। सोनू मेरी बात तो सुन। जा कहाँ ना, जा यहाँ से। सोनू जा। मुझे माफ कर दे यार। उसी पल से वो मुझसे नफरत करने लगा। साशा के गुजरने के बाद मैंने चोरी करना बंद कर दिया क्योंकि मैं बिल्कुल टूट गया था। हर पल हर लम्हा साशा की यादें मुझे सताती रहीं। काश मैं कदर कर पाता उसके जज्बात की, काश मुझे समझने की वो कोशिश करती, काश मेरी अच्छी दोस्त बन के रहती, काश ऐसा होता। सर,
सर माँ कसम आज वो चोर की शक्ल बना कर ही रहूंगा, आप बस 2 लाख तैयार रखिए। दरअसल चाय वाले का उधार बहुत हो गया है। एक बात कहूँ, मुझे अब तुझ पर ही शक होने लगा है कि तूने उस चोर को देखा भी है या नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे लाई डिटेक्टर चाहिए। ओके सर। एक्सपर्ट को बुला कर ले आओ। यस सर। Yeah, get up off of that thing. Dance and shake and let's swing. Yeah, वो. सर मैं इस नमूने को जानता हूं, लेकिन ये सच बोल रहा है या झूठ इसका पता भी जान लूंगा। Come on. यही वो हाथ है जिससे तुमने मेरे सुंदर मुखड़े का सुंदर स्केच बनाया था। ये ईसीजी का ढक्कन मेरे मुंह पे क्यों लगा दिया? ये ईसीजी चेक नहीं करेगा बच्चू, ये वाइब्रेशन मशीन है जिससे तेरे बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन हो जाएगा। वाइब्रेशन बन गया, सच झूठ का पता इस मशीन से चलेगा। मेरे जुमले याद है ना? मैं तुझे तब मिलूंगा जब तू 1 फुट पानी में डूब रहा होगा और मैं तुझे निकाल कर चुल्लू भर पानी में डुबाऊंगा। अब हमारे हर सवाल का जवाब दो विदाउट एनी ऑप्शन। क्या हो रहा है सर? इस नाम से बदनाम हो जॉन इब्राहिम। अंडे में से कब निकले? 14 साल पहले। होंगी मशीन चिल्ला के सच बोल रही और तू झूठ। 32 साल पहले। तू स्त्रीलिंग है या पुलिंग? स्त्रीलिंग। हाँ, मशीन अच्छी है। कितने मिली आपने? तू इसकी पुलिंग नहीं कर सकता, फिलहाल तेरी थ्रीलिंग चल रही है। सच बोल वरना अपने कान अपने हाथों में लेके जाएगा। मुझे हल्के में मत ले, सच सच जवाब दे। बाप रे, शादी हुई क्या? नहीं। दूसरों की थाली में मुंह मारते हो? मैं झूठा नहीं खाता, कभी कभी खा लेता हूँ, अक्सर खा लेता हूँ, हफ्ते में 2 बार। याद आया, मैं तो भिखारी का भी छीन लेता हूँ। कल रात कहाँ बिताई? घर पे। किसके घर पे? घर पे। किसके घर पे पूछा? मेरे भाड़े के घर पे। अरे मैं बाजू वाले के घर पे था। क्यों? अंकल घर पे नहीं थे इसलिए आंटी का ख्याल रखने चला गया। अबे चिंदी चोर कभी मुर्गी चुराई है? नहीं किए साहब, मुर्गी बोलने से मुर्गी चुराई थी। मतलब औकात के हिसाब से चोरी? हाँ जी। नहीं, अरे इस मशीन को तो तोड़ फोड़ दूँ। सर मैं एक चोर हूँ, अरे मैं बहुत छोटा चोर हूँ। मेरी मशीन को बुरा बोलेगा? नहीं सर, मुझे पक्का शक है कि एटीएम का चोर तू ही है। नहीं सर, मैं नहीं हूँ, वो है। वो की तस्वीर बना के बता। बनाता हूँ सर। जान प्यारी है तो सही तस्वीर बनाना। सही तस्वीर बनाऊंगा सर। अरे तेरी तो ट्राई करूंगा सर। लास्ट क्वेश्चन पूछिए सर। तू किसी का कत्ल करना चाहता है? नहीं सर। हाँ सर। किसका? आप ही का। ये सच बोल रहा है सर? इससे मैं चोर की परफेक्ट तस्वीर बनवाऊंगा। श्री, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है, घर आ सकती हो? नहीं, मैं नहीं आ सकती अखिल। But why? भैया ने तुमसे मिलने से मना किया है, बाहर जाने की भी इजाजत नहीं। अभी कहाँ? घर पर ही। सोनू है वहाँ? हाँ है। मैं आ रहा हूँ। अखिल अखिल नहीं, बात बिगड़ जाएगी। उसे घर से बाहर निकालो। नहीं भैया, रुक क्यों गया? मार दे मेरे बेटे को, मार दे। आपका चेहरा देखकर रुक गया माँ, नहीं तो खत्म कर देता। तो हट जा। ठीक है मार, दमे तो मार। अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारी बहन के साथ तय करने आई थी। अब क्या बचा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। याद है इसी तरह मैं आपके सामने आकर अपनी बहन की शादी के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था, इतनी जल्दी भूल गई? तब आपकी ममता कहाँ मर गई थी? तब मेरी बहन के आंसू नहीं दिखाई दिए? तब हालात दूसरे थे, अब ऐसा नहीं है। नहीं, एक बार गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा। श्री आओ, चलो। अरे इसमें तब्दीली नहीं आने वाली, चलो चलते। अरे इससे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, अगर ये तुम्हारा सगा भाई भी होता ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी ये तो मुंह बोला है, लेट्स गो। अगर ये मेरा सगा भाई होता तो मैं बेझिझक आ जाती, पर ये तो उससे भी बढ़कर है। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी अखिल। श्री एक बात याद रखना, आज नहीं तो कभी नहीं। बट आई लव यू अखिल। इसे मोहब्बत कहते हैं? लाना तक नहीं। अखिल शांत हो जाओ। श्री मुझे तुम पर गर्व है, अपने भाई के लिए प्यार की कुर्बानी मेरे दिल में समा गई हो तुम, अब तो तुम ही मेरी बहू बनोगी।
चल बेटा। कोल्ड टीपी। अच्छा बता सर, तेरी किसी ने ठंडी चाय पिला के गरम दुलाई की है? बैठ, तुझे मेरा गंदा मोजा सूंघाऊंगा तभी तू सही तस्वीर बनाएगा ना। मैं नहीं सूंघता सर। क्या कहा? मैं सूंघ नहीं सकता। एक बार समझ में आ गई बेटा, तुझे जितना ज्यादा टॉर्चर करूंगा उतनी जल्दी तू तस्वीर बनाएगा। चलो वही ट्राई करता हूँ। कोल्टी पी ले, कोल्टी पी ले, इससे पहले कि वो हॉट हो जाए। अबे रुक, मेरे सामने पिया। तस्वीर बनाने के तीन तरीके हैं घोचू। किसी हुस्न को देख के उसे पेपर में तराशना, तस्वीर से तस्वीर बनाने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका अपनी याददाश्त से उसकी शक्ल बाहर निकालना। आई वॉन्ट दैट। दरअसल बात क्यों बे, मेरे सामने चूचा कर रहा था चूचे? अबे मेरा मीटर चालू है, जल्दी कर। चल बना, नहीं तो मैं तेरा पप्पू अलग और पेंटर अलग कर दूंगा। चूचू कहेगा इस बार तूने एक नया चेहरा बनाया। मुझे लगता है इसे मैंने कहीं देखा है। बाल बढ़ाना, बाल लंबे कर उसके। ये तो उस बाइकर्स क्लब में आता है ना। हेलो सर, अभी अखिल आकर श्री को ले गया है। वो जाने से इनकार कर रही थी लेकिन जबरदस्ती ले गया। आपको बताना जरूरी समझा इसलिए कॉल किया। पता नहीं उसे कहाँ ले गया होगा। मुझे यहाँ लाने का क्या मकसद है? तुम पर शक है इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। एक साल पहले मुझे एक वीडियो मिला था और उस वीडियो में हमारा एक स्पेशल ऑपरेशन चल रहा था, उसके दौरान की ये रिकॉर्डिंग है। लगातार ड्यूटी की वजह से ड्राइवर की आंख लग गई थी, उसी वक्त ये रिकॉर्ड हुआ था। इस फुटेज को जरा गौर से देखना। एक अनजान लड़की सड़क पर भाग रही थी, कुछ गुंडे उस लड़की का पीछा कर रहे थे। सबने मिलकर उस लड़की का कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़का आया, उसके बाद लंबे बालों वाला एक और लड़का आया। मुझे शक है कि वो लंबे बालों वाला लड़का तू ही है। वो मैं नहीं। इस कत्ल की किसी ने भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। वो लड़की कौन थी कुछ पता नहीं, किसी को आइडेंटिफाई करना भी नामुमकिन है। तो ये तुम नहीं हो? नहीं सर। क्या यही चोर है? वो चोर नहीं है। अब तुम जा सकते हो। ए अखिल, मार क्यों रहे? साशा को क्यों मारा बता? तूने साशा का कत्ल किया, मेरी बहन को मार दिया। अनु देख क्या रहा है, मार उसे। क्यों मारा तूने बोल, क्या वजह थी? बताता हूँ, तुमसे आज तक चोरी करवा के माल खरीदने वाला बाइकर्स क्लब का रॉबर्ट है, और इस रॉबर्ट के साथ समीर का भी हाथ है।
डायमंड चुराने का आइडिया भी इन दोनों का ही है। उस रात यहीं पर उस जगह साशा बैठी थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है बाबा। चलने दे, मैं उसमें तब्दीली करेगा। बाबा, दो दिन में डायमंड हाथ में आएगा, इस वक्त ये सही रहेगा। जैसे ही हीरे हमारे हाथ में आए हमारा काम हो गया। इसके बाद उन तीनों का काम तमाम कर देगा। जिसने अपने से हिस्सा मांगा वो किस्सा बन गया। ए, कौन है उधर? ए, जाके देख रहे। खत्म कर इसको। भाग जाएंगे वो। मार सुन, मार इसे, मार, चीर डाल इसे, come on! Wait, wait, बाबा, wait! I'm coming, man! मैं है ना इधर, मैं सब देख लेगा, man! काहे को नफरत करता है? ए समीर बाबा! छोड़ उसको। साशा को मैंने ही खत्म किया। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। जो कुछ हुआ भूल जा। हमारे हाथ से हीरे गए और इनकी जिंदगी से चमक। अब हम मिलके नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो करेंगे लेकिन तुम सबकी मौत से। तू कुछ भी कर सकता है, यू कैन डू एनीथिंग बाबा। देख, साशा तो अभी मर गया है लेकिन श्री जिंदा, उसका लाइफ जरूरी है ना मैन। उसे अपन ने किडनैप कर लिया। रुक। जिस डायमंड के लिए ये सारा मगजमारी हुआ, फिलहाल वो डायमंड गोवा के एग्जीबिशन में है। एग्जीबिशन खत्म हो चुका है। दो दिन बाद डायमंड दिल्ली जाएंगे। वो डायमंड लाके हमको दे दो और श्री को लेके जाओ। श्री को पहले गोवा भेज दिया। कसम से तुम सबको यही चीर दूंगा। देरी तो। अपने प्यादे को संभाल, सौदा मंजूर है। अगर श्री को आज भी आई। सुपरमैन। शफी, इनके साथ जाओ। अखिल मेरे यार, मुझे माफ कर दे दोस्त। ठीक है यार। उनको जो मांगता हो दे वो, लेकिन याद रखो 24 आवर्स बचाए। ठीक है। श्री से बात करो। अखिल, अखिल। श्री एग्जैक्टली कहाँ हो तुम? ये लोग मुझे गोवा ले आए। ए सुन, तेरी रोमियो गिरी हो गई हो तो डायमंड के बारे में सोच। वो तो हम पे छोड़ दे। सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई है। वो डायमंड्स लेके कब निकलेंगे? सुबह 10 बजे। एयरपोर्ट, पंजी से एयरपोर्ट 38 किलोमीटर है। इन 38 किलोमीटर में रेलवे क्रॉसिंग्स कितने हैं, पुल कितने हैं, यह पता लगाना होगा। हो गया प्लान? हाँ। ये चल क्या रहा है? राज है क्या? राज ही रहने दे।
40 फुट 40 फुट 40 फुट। ऑलराइट, मान लो कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे अमल होगा। प्लान बी बोले तो? अबे कितने सवाल कर रहा है, वैसे ही तू मेरी आंखों में खटक रहा है, यही डाल दूंगा। ए, फालतू के सवाल मत पूछा कर। सुनो, इस काम के दौरान चाहे तुम मरो या मैं मरूं, ये या इसके पंटर में से कोई नहीं बचना चाहिए। ये लोग यहाँ कुछ कर रहे हैं? टेंशन नहीं, कर ले। ए सोनू। हाँ बोल। तू सही जगह पर है। यहाँ पर? हाँ भाई, बिल्कुल भाई। अमर। हाँ, ये लोग तो यहाँ कलर कर रहे हैं। करे करने तो, मेरे कांटेक्ट में रहो। सब कुछ क्लियर है सर। लोडिंग नाउ, ओवर। ऑफिसर प्रोसीड। अखिल, कंटेनर में 10 गार्ड्स हैं। यस सर, वी आर मूविंग फ्रॉम हियर राइट नाउ। क्या हुआ सर? आगे कार खड़ी है, जाके देखो।
जाती है। मेरे को सोनू ने डायमंड मांगता है, चलते रहो तुम लोग। चलते रहो, मेरा दोस्त है, समझा? गोली मार दूंगा, चलते रहो। देश चलो। सोनू, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। चल तो बोल। शफी, ए शफी, क्या हो रहा है उधर? शफी, 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 है? उसका बैकअप हो गया। ओके, कोई बात नहीं। आई मीन डायमंड्स किधर है? मेरे पास है। ओके, उन डायमंड्स को लेकर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। सुनो, हम आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तो मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। तमंचा फेंक। Where are the diamonds? ये कहाँ है? Diamond दिखाओ मेरे को। श्री कहाँ है? नहीं बताऊंगा तो नहीं दोगे क्या? बेटा उसको तो ख्वाब ही समझ लो। हकीकत ये है कि तुम लोग यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ए, जानना चाहता है वो कहाँ है? बागा बीच के पास एक खंडर में। रुक, तू देख। ए, जी भाई। उसको खत्म कर दे। जैसे साशा को मारा था वैसे उसके तड़पने की आवाज रिकॉर्ड करना, मुझे सुननी है। क्या करेगा बता? चुपचाप हीरे हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमसे जो अड़ा है सीधा जमीन में गड़ा है। अरे हम तो अपनों के भी सगे नहीं है, तू चीज क्या है? हम सबको मारेगा, श्री को बचाएगा तू? ए, ये नल्ले डायलॉग से कुछ नहीं होता, समझा? बाप हूं मैं। भाई, छोड़ दे उसको। सोनू, श्री भागा बीच के खंडर में, जल्दी से जाके छुड़ाओ उसे। अखिल, श्री को कुछ नहीं होगा, लेकिन साशा के किसी भी कातिल को बख्शना नहीं। वो अभी तक मरा नहीं क्या? वो नहीं मरेगा, मरोगे तो तुम सब। वो श्री को बचा ही लेगा, और चाहे हम जिए या ना जिए, तुम लोग तो मरोगे। शुरुआत इससे करूंगा, मुझे साशा की कसम है। ए, चला गोली। मारो उसको! छोड़ो नहीं! डायमंड लग गया मेरे को! इसके भाई का फोन है। दे दे, आखिरी बार बात कर लेंगे भाई से। Oh!
मैम किधर को भाग रहा तू? ए ए रुक भाई। साशा को मारा, आज मैं तुझे मार दूंगा। उसके नसे काटी थी ना? अबे चीख रहा तू, मौत का खौफ है तुझे? तेरे को टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये ले समीर, तेरे को मार डालूं मैं। आई विल किल यू। ए बाबा, अब यही साल। व्हाट आर यू डूइंग मैन? मेरे खोलना है, खोलना। ए आई एम सॉरी ना, मेरे को खोलना। डायमंड रख ले, डायमंड रख ले तू। यही है साहब। क्या 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 क्या? यही है साहब। मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। कल भी गोवा में एक चोरी हुई है। क्या ये दोनों काम एक ही शख्स ने किए हैं? ये भी नहीं जानते। और फिर आज तो मेरा ट्रांसफर भी हो गया है। जा, तुझे बख्श दिया। मुझे घर जाके पैकिंग करनी है, नई जगह जाके सेटल होना है, बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना है। जिसका दर्द वही समझ सकता है। मेरा दोला कौन देगा? नहीं। सलाम सर। यूमे जोकर किसकी तस्वीर बनाएगा? आज से ये धंधा बंद कर रहा हूँ। पुलिस से पैसे मिले? वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये ले डायमंड। हीरा ओरिजिनल है। समझ गया। पता ही है तुझे क्यों दिया? क्यों? तूने एक बार मेरी तस्वीर बनाई थी, जैसे सब कुछ ठीक हो गया और एक हकीकत सामने आई, इसलिए। अच्छा? फिर से बनाएगा मेरी और इसकी? सुपर बनाऊंगा सर। थाने में प्रैक्टिस कर करके मैं बहुत सही हो गया हूँ। सुपर।